नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे, मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीए न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने मारा बाइक सवार को थप्पड़, बाइक सवार टकराया दूसरी बाइक से, चार लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह सांसद राहुल सिंह के द्वारा दमोह स्टेशन परिसर का किया गया निरीक्षण, कार्यों के संबंध में ली गई जानकारी। ओपीएस पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने निकाली रैली। जीप में निकला अजगर सांप। नवरात्रि के पूर्व गरबा महोत्सव में चल रही हैं तैयारियां। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह सांसद राहुल सिंह की, जिनके द्वारा आज दमोह स्टेशन पहुंचकर यहां पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और कई तरह की जानकारी भी ली। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा आज दमोह स्टेशन का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर अमृत योजना के अंतर्गत लगातार देखने में आ रहा है, जब काम चल रहा है, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, नई व्यवस्थाएँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आज उनके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण किया गया और उसके बाद ये भी देखा गया कि क्या क्या नया होने वाला है, काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि लगभग 75% काम जो है वह कंप्लीट हो गया है, 25% काम ही शेष रह गया है। दमोह के रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप नज़र आएगा। लगातार अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे जिनके द्वारा जानकारी दी गई, उनके साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो प्रोजेक्ट है, जो पूरे भारत में आधुनिक रेलवे स्टेशन करने में अमृत स्टेशन को लेकर आज यहाँ पे आपके समीक्षा की है और स्थानीय लोगों से भी चर्चा की, अधिकारीगण से भी चर्चा की है कि तय समय में ये निर्माण पूर्ण हो जाए और क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी बैठक में भी ये समझ में आया कि सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा इशू आ रहा है और दूसरा पानी की व्यवस्था। अभी इन अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारियों ने बताया कि पानी की जो व्यवस्था है वो पूर्ण नहीं हो पा रही, तो वह भी बात करके उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट हम लोग कराएंगे नगर पालिका से और रेलवे से, जिससे वो प्रॉपर इनको पानी मिल सके। और अभी आप लोगों से भी चर्चा हुई तो सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू आ रहा है, रेल काउंटर, रेल रिजर्वेशन के वहाँ जहाँ काउंटर वहाँ का भी इशू आ रहा है। तो क्योंकि ये इनके उसमें नहीं है तो ये जबलपुर में बात करूंगा और अगर इसमें लगेगा तो माननीय रेल मंत्री जी से इस विषय में बात करूंगा। दो विषय और आए हैं कि आधा दमो एक नंबर प्लेटफॉर्म पर और बाकी दमो दमो ग्रामीण दो नंबर तीन नंबर उस तरफ निवासरत है। तो अभी जब जो जबलपुर में बैठक हुई तो उस समय भी मैंने बोला था कि एक प्लेटफॉर्म स्टेशन जो है बाहर जाने के लिए टिकट काउंटर का तीन नंबर तरफ भी बने, जिससे जो हमारे हटा पथरिया उस तरफ से लोग आते मड़िया दो तरफ से वो सीधे वहीं से एंटर हो जाए और वहीं से सीधे एग्जिट हो जाए। पर क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में काम चल रहा तो क्रमवार तरीके से चल रहा है, तो फेज वन में तकरीबन माननीय प्रहलाद पटेल जी जब थे तो फेज वन में ये अमृत स्टेशन में ये फेज वन में काम हुआ था, तो ऐसे ही ऐसे ये कंप्लीट होगा। इसके बाद फेज टू, और अभी मानी पार्षद भी यहाँ पे उन्होंने ही बताया कि एक फुट ओवर ब्रिज भी बनना, तो उसकी भी चर्चा हुई है, तो उसको क्रमवार तरीके से हम करेंगे। लेकिन प्रारंभिक रूप से
सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए, और यहाँ पे चौकी है तो थाना स्थापित हो जाए प्रॉपर यहाँ पे, इससे आमजन की सिक्योरिटी हो जाए। रात में यदि महिलाएं आती हैं किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना हो तो उसको लेकर भी मैं माननीय रेल मंत्री जी से बात करूंगा, क्योंकि ये स्टेट का और इनके बस का नहीं है, ये सेंट्रल से ही होगा। और पानी का भी हम एग्रीमेंट कराएंगे, और मुझे लगता है कि जनवरी के आसपास ये अमृत स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये फर्स्ट फेज का जो है उद्घाटन हम लोग करवा पाएंगे। इतनी दिक्कत हो रही पूरे शहर में, इस तरफ पूरा जो पानी भर रहा है उसी के कारण इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, और इतनी हाइट पे कर दिया कि नीचे जितनी भी नाली है शहर की वो नीचे गए, वो हाइट पे हो गया, इस कारण वो पानी प्रॉपर नहीं निकल रहा। बहुत दिक्कत हुई सर शहर की। डीसी लाइन की आपकी जहाँ वॉल खड़ी हुई ना उसके बाजू में बहुत बड़ा नाला था, अब आपने उसको नाली कर दिया तो पूरे शहर का जो पानी निकलता था इतनी दिक्कत हुई सर, पूरा पैर रोड पर 1 से 1.5 फुट पानी रहा। दिगंबर जैन मंदिर से लेके आपका ये मलैया मील फाटक तक जो नाला बनाया इसकी चौड़ाई बहुत कम कर दिया, बहुत दिक्कत। लोग तो रेलवे ही जानते ना कि रेलवे संजय सरवरिया लकी डीसीए न्यूज। संपूर्ण देश में शासकीय कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में कई तरह की खामियां हैं। आज बड़ी संख्या में कर्मचारियों के द्वारा एक रैली निकाल कर प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद 1200 रुपये प्रति माह मिलता है, ऐसे में कैसे उनका जीवन गुजारा जा सकता है, परिवार के लोग सहयोग नहीं करते, ऐसे में उनके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर शंख बजाकर इनके द्वारा शंखनाद किया गया और ओपीएस पर कहा गया कि वे अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेके रहेंगे। जबरदस्त तरीके से इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। किस संबंध में आज ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तत्वाधान में राष्ट्रीय आह्वान पर विजय कुमार बंधु एवं परमानंद डेहरिया और दमोह से समस्त कर्मचारी संगठन के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से ये पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जस का तस। सरकार द्वारा जो यूपीएस लागू की गई है उसका हम विरोध करते हैं और उसकी पुरानी पेंशन से अलावा किसी और पे हम लोग राजी नहीं हैं। मुख्यमंत्री के नाम इसके अलावा एक सब हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री जी के लिए यह बोला गया कि पुरानी पेंशन के साथ साथ मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारी वरिष्ठता सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाए, इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, क्योंकि हमारी वरिष्ठता मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2018 से कर दी गई है जबकि हमारी नियुक्ति 98 से है। तो दोनों संबंध में इस तरह से ये ज्ञापन दिए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय जो समस्याएं हैं उनके संबंध में भी हर प्रत्येक संगठन के द्वारा ज्ञापन इसमें दिया गया है। हम लोग क्या है, मुख्य रूप से हमारी जो मुख्य मांग है वो एक ही है कि हम लोग पुरानी पेंशन चाहते, जो मेन मुद्दा है। अब जो है प्रधानमंत्री साहब आदरणीय वो हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एनपीएस से ये फायदा, पर हम लोग भी शिक्षक ही हैं तो हम लोग यूपीएस चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन ही चाहिए और वो हम लोग लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोग पुराने समय से लगे हुए हैं, किसी की 95 से बढ़ती है, किसी की 98 से है। अब उसको कहो कि नहीं तुम्हारा जन्म 18 से हुआ है, अब हमारी गणना जो है सर्विस की वो सन 18 से की जा रही है, तो ना हमें कोई मतलब सीनियरिटी भी हमारी खत्म हो गई और हमारे सारे अधिकार खत्म हो गए। इन्हें जो चाल चली है उसमें हम लोग को फंसा के मारा गया है। भारत में पेंशन की मामले में लागू गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से हम कर्मचारी आए हैं और हमारी 10 वर्षों से मांग है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन लागू की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन के स्थान पर जो यूपीएस का ड्राफ्ट भेजा गया इसका हम सख्त विरोध करते हैं और साथ ही मध्य प्रदेश से विधायकों सांसदों को
छह छह सात सात पेंशन दी जा रही है, लेकिन हम कर्मचारियों को मात्र 1200 रुपए की पेंशन दी जा रही है। हमारे ये शुक्ला जी खड़े हैं जो 36 साल की सेवा करने के बाद अभी रिटायर हुए हैं और इनको मात्र 1200 रुपए की पेंशन मिल रही है। इस गैर बराबरी की व्यवस्था का हम विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री से यही मांग करते हैं कि जो पुरानी पेंशन प्राचीन काल से चली आ रही है वही पुरानी पेंशन सारे कर्मचारियों को लागू करने की कृपा करें। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह जिले में जो धान की खरीदी शासकीय रूप से होती है प्रति एकड़ 21 क्विंटल होती है, उसके स्थान पर 32 क्विंटल खरीदी किए जाने की मांग रखी है। उनका कहना है कि दमोह जिला जो है असिंचित क्षेत्र में आता है, जिसके चलते धान की जो खरीदी होती है केवल 21 क्विंटल होती है। 10 वर्ष पहले ये सर्वे हुआ था जिसके आधार पर दमोह जिले को सिंचित नहीं किया गया। अब दमोह जिले में अनेक तरह की योजनाएं आ चुकी हैं, अब सिंचित जो रकबा है उसका क्षेत्र बढ़ चुका है। ऐसे में वह चाहते हैं कि प्रति एकड़ 32 क्विंटल धान खरीदी जाए। जी बताइए, किस संबंध में आज एक ज्ञापन दिया? आज भाजपा किसान मोर्चा ने एक पत्र सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय के लिए, क्योंकि धान उपार्जन नीति 2024-25 आ गई है और हमारे धान की खरीदी भी कुछ ही समय पश्चात शासन द्वारा की जाएगी। तो जब से धान उपार्जन नीति 12-13 से चालू हुई उस समय हमारे किसानों की धान की मात्रा निर्धारित उन्होंने की थी कि सिंचित क्षेत्र में 32 हेक्टेयर प्रति क्विंटल और असिंचित क्षेत्र में 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो पिछले 10 साल से हमारे किसानों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है, तो हमने माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि हमारे किसान की जो उपार्जन नीति के तहत धान खरीदी जाए वह 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदी जाए। इसके लिए आज हम सभी लोग आए थे, कलेक्टर साहब जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम लोग प्रयास करेंगे कुछ यदि इसमें हो सकता हो। तो मेरा शासन से और कलेक्टर साहब से यही अनुरोध है कि हमारे किसानों की इस वर्ष जो धान खरीदी हो वह 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से की जाए। देखने लायक होगा सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक पार्षद लगातार लगभग 10 आवेदन उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। दमोह कलेक्टर के नाम सौंपे गए ये ज्ञापन लगातार इनके पास सुरक्षित है। इनका कहना है नगर पालिका में ज्ञापन दो या फिर कलेक्ट्रेट में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन अतिक्रमण के चलते उनके यहाँ जो सड़क होनी चाहिए वैसी सड़क नहीं बन पा रही है, क्योंकि मुख्य सड़क पर ही लोगों ने कब्जा करके रखा है। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं होती तो वह आंदोलन की राह पर होंगे। ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है? ये हमारे मांगज वार्ड नंबर 5 में सुदामा दुबे के घर से लेकर बैजनाथ पटवारी जी के घर तक बीच बीच में कुछ लोगों द्वारा सड़क पर रोड पर अतिक्रमण किया गया है। पट्टियां बनाई गई, बाउंड्रियां, सीढ़ियां वगैरह ये सब बनाई गई हैं, छोटा मोटा अतिक्रमण है, जिसके संदर्भ में 10 बार हम माननीय सीएमओ महोदया को पत्र दे चुके, अवगत करा चुके हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए। माननीय सीएमओ महोदया जब वहां गई थी तो उनकी स्वयं की गाड़ी वहां से नहीं निकल पा रही थी, इस कारण से उनको अपनी गाड़ी आधे किलोमीटर पीछे खड़ी होकर के आना पड़ा था। माननीय कलेक्टर महोदय को भी कई बार पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। माननीय कलेक्टर महोदय ने सीएमओ महोदय को आदेशित किया कि जल्द ही जल्द अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन कौन सी नेताओं का दबाव है, क्या प्रेशर है जो 5-7 घरों का छोटा छोटा अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है, जिससे वार्ड की पूरी जनता परेशान है। 20 साल बाद वार्ड की रोड स्वीकृत हुई है, नगर पालिका द्वारा रोड स्वीकृत की गई, रोड का काम लगा है, 100 मीटर की रोड बन भी चुकी है, लेकिन उक्त अतिक्रमण के कारण बाकी की रोड नहीं बन पा रही है। वहां पर अगर एम्बुलेंस जाए तो एम्बुलेंस जाने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ 8-10 फुट रोड बची है, उसी में बीच में लोग कार खड़ी कर लेते हैं, राहगीर परेशान होते हैं, वार्डवासी परेशान होते हैं। देखने लायक होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। पथरिया के पेपरिया छक्का में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में आज दमोह पहुंचे। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया और मांग की गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें भी आवास दिलाए जाए। हाल ही में जो सूची जारी की गई है उसमें उनका नाम नहीं है, कुछ ऐसे लोगों के नाम है जो अपात्र हैं। इस बात से उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है,
कि पात्रों को छोड़ दिया गया, पात्रों का चयन कर लिया गया। वह चाहते हैं कि सूची रिवाइज की जाए, उनके नाम जोड़े जाएं और उसके बाद खातों में पैसे पहुंचाए जाएं। इस बात की गुहार उनके द्वारा दमो कलेक्टर को इनाम सौंपे गए अपनी शिकायत में कही गई है। आपका कहाँ से आए हैं? अंगद प्यासी मेरा नाम है। मैं ग्राम क्रिया छक्का, ग्राम पंचायत परिया छक्का, तहसील पथरिया से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या है प्रधानमंत्री आवास में जो अभी वर्तमान में सूची आई है, उन सूची में हम लोगों के नाम नहीं है। क्योंकि 2018 में जब नाम जुड़वाए गए थे तो हम लोगों के यहाँ अधिकारी आए थे, नाम जोड़ने के लिए बात हुई थी और हम लोगों ने सभी के घर की फोटो भी खींच के ले गए थे। लेकिन बाद में उन लोगों ने 2000 रुपये की मांग की तो हम सब जो गरीब बस्ती के लोग पैसे नहीं दे पाए, उस वजह से पैसे न देने के कारण अब हमारी जो सूची आई है अभी उसमें नाम नहीं है। हम लोगों ने जाकर शिकायत भी की कि हमारा नाम क्यों नहीं है। बोले नहीं, आपका नाम नहीं है, आपके पास जो भी बातें हुई जाके पहुंचे अधिकारियों की, हमने यही बात पूछी कि आपका पैसा नहीं पहुंचा था इसलिए आपका नाम नहीं जोड़ा गया। किसने मांग की थी पैसे की? जो अधिकारी जोड़ने आए थे पंचायत, नाम है उनका, नाम तो नहीं है मालूम। जो भाई आए हो पंचायत के माध्यम से आए थे तो नाम तो क्लियर कट नहीं है, पंचायत कौन है, तो उनके नाम से आए ने कहा कि भाई आपका नाम घोड़ा जा रहा है, आपकी सूची प्रधानमंत्री सूची में फोटो खींचा, आपके मकान की फोटो ली जाएगी, आपका नाम आएगा, आपको 2000 रुपये लगेंगे। उसके बाद पैसों की बात हुई, कुछ जाति भाव से भी है कि हरिजन लोग हैं ये क्या करेंगे, इनका नाम कैसे, किसी ने शिकायत की 181 पे तो रंजिश बस भी उनका नाम नहीं जोड़ गया कि आपने हमारी शिकायत की, आपका नाम प्रधानमंत्री आवास में नहीं आएगा। तो इस तरीके की वार्तालाप भी हुई पंचायत के माध्यम से, तो आगे की यही है, इनका नाम तो प्रधानमंत्री सूची में जोड़ा गया ना तो संबल कार्ड में जोड़ा गया, और जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं? रंजिश बस। आपका नाम? राज अहरवाल। कहाँ से आए हो? ग्राम क्रिया छक्का, जिला दमो, थाना पथरिया। क्या समस्या है? आवास की परेशानी है बताई गुरु जी ने, और हमारी भी आवास योजना में लिस्ट में नाम नहीं है। 2018 की सूची है, 2000 रुपये मांगी, हम लोगों ने नहीं दिए इसलिए हमारा सूची में नाम नहीं। किसने मांगे थे पैसे? पंचायत के अधिकारी। कौन, क्या नाम है? गिरधारी। कौन है वो? सचिव है गिरधारी, सचिव है। उसने 2000 की मांग की थी, आप लोगों ने पैसे नहीं दिए तो इसलिए हमारा सूची में नाम ही नहीं है। इसकी शिकायत की आप लोगों ने कलेक्टर में? 181 पहली बार आए, जानते थे याद आएगा, अभी ये लिस्ट अभी आई है, अभी लिस्ट आई है, अभी देखा तो उसमें नाम ही नहीं सूची में, इसलिए कलेक्टर महोदय के पास आए हम लोग। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। यातायात पुलिस दमो के द्वारा लगातार चेकिंग की जाती है। दमो के बाईपास पर फिक्स पॉइंट रहता है, सुबह से रात तक हमेशा ही चेकिंग होती रहती है। कोई ना कोई पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहता है जो यहाँ पर लगातार सघन चेकिंग करता रहता है। बाइक सवार हो, ट्रक सवार हो या फिर फोर व्हीलर सवार, तमाम लोगों के कागजों की जाँच की जाती है। इसी बीच आज एक बाइक सवार यहाँ से आ रहे थे और उन्हें एक पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने यह थप्पड़ मारा, जैसे ही बाइक सवार को थप्पड़ लगा वह दूसरी बाइक से जा टकराया, जिस पर भी दो लोग सवार थे। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। 2 जो घायल हैं उन्हें हेड इंजरी है, सिर में काफ़ी गंभीर चोट है, उन्हें अब तक होश नहीं आया है। पुलिसकर्मी को इतना गुस्सा है कि उसके द्वारा चलती बाइक पर यह थप्पड़ मारा गया है, बाइक सवार को यह थप्पड़ मारा गया है। बाइक सवार जो है गंभीरा के रहने वाले हैं, बताया जाता है कि काफ़ी गंभीर चोट है। उनके साथ जो युवक थे उनके द्वारा घटना स्पष्ट रूप से बताई गई कि पुलिसकर्मी के द्वारा थप्पड़ मारा गया, जिसके बाद वह दूसरी बाइक से जा टकराए। दूसरी बाइक पर जो सवार थे उन्हें भी काफ़ी गंभीर चोट आई है। काफ़ी बड़ा मामला है, पुलिस के द्वारा चेकिंग के नाम पर किसी को थप्पड़ मारना कहाँ तक उचित है? आइए सुनते हैं घायल के भतीजे का क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? कलू सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? गंभीरा। ये कौन है आपके? चाचा है। क्या नाम है इनका? दूसरे घर के हमारे चाचा हैं लगते हैं, लेकिन क्या नाम है इनका? सुरेंद्र सिंह। कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप लोग, क्या हुआ है? दमो आ रहे थे गंभीरा से, तो वहाँ से चले आ रहे थे, बाईपास पे चेकिंग लगी थी, पुलिस वाले ने हाथ मारो गाड़ी मद्दी करी, लेकिन हते उल्टी पट्टी, मतलब वहां से आते ना वाहन है तो उल्टी पट्टी हते, तो उनने चनकटा जैसे अपन बारह लगे चनकटा मारो, तो कसी सी दूसरी गाड़ी में
गाड़ी नहीं हल रही। किसने मारा था इसको चलती गाड़ी में? पुलिस वाले ने। पुलिस वाले ने लबड़ा मारा है? सफेद ड्रेस पहने थे, उन्होंने मारा। कहाँ पर? बाईपास। तो फिर क्या हुआ? गाड़ी गिरी सी, दो जने वहां डरे, उन्होंने खबर के पड़ गई, जब भी नोट तो बना तो उनके दम तोड़ के लाए थे, दावा दावा तो उनको खून बंद करो जो जो लहरा लिखा हुआ। दूसरे बाइक सवार के सिर में भी काफी गंभीर चोट है, जिसे भी होश नहीं है। जिला अस्पताल में इनका उपचार जारी है। आपका? मेरा आशीष जोगी। आशीष जोगी कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ से कहाँ आ रहे थे, क्या हुआ है? बस में तो सर यहाँ से जा रही थी, बस बाईपास से पुलिस लगी थी, तो वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी, पुलिस बार में मारता हुई कचूगी, तो गाड़ी वाले ने हमारी गाड़ी, मतलब उस गाड़ी वाले को पुलिस वाले ने मारा, तो वो गाड़ी आप लोगों को गली? हाँ, मेरे को गली। कितने लोग थे आप? चला रहे थे। कितने लोग थे आप लोग? कितने लोग थे? दो जने थे। क्या नाम उनका? उनका विवेक लोधी। देखने लायक होगा पीड़ित को कितना न्याय मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहाँ आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना वीडियो इस नंबर पर दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हैं, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की, लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना, जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। नव दुर्गा गरबा महोत्सव समिति के द्वारा इस वर्ष भी गरबे का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से निरंतर यहां पर दमोह के नीलकमल गार्डन में यह आयोजन होता है। बड़ी संख्या में समाज के युवा और युवतियां इसमें हिस्सा लेते हैं, गरबे के माध्यम से मां की आराधना करते हैं। यहां पर पंजीयन लगातार किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों युवक युवतियों के द्वारा अपना पंजीयन कराया गया है। मां की आराधना 9 दिनों तक यहां पर की जाएगी। यहाँ पर गुजरात से कोरियोग्राफर आए हैं, जो लगातार यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, और उसके बाद 3 तारीख परमा से ये गरबा महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। किस तरह की तैयारी है, क्या आयोजकों का कहना है, आइए देखते हैं। साक्षी, टर्न 15 एंड 16, ओके। अब टोटल काउंट आपका आएगा
16 आपका 14 का तक कहाँ होता है? 13 14 15 16 ओके अगेन क्लियर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 जैसा कि 2 साल हमारे सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल भी हम नया कुछ लेकर आए हैं। इस पर हमारे गुजरात से डांसर्स कोरियोग्राफर आए हैं। इसके अलावा हमारी सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान रखा गया है। साथ में ये हमारा प्रैक्टिस 1 महीने से चल रही है। अभी हमारी प्रैक्टिस अभी भी चालू है और रजिस्ट्रेशन चालू है, आप भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा, अभी जो 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक हमारे गरबा महोत्सव हो रहे हैं, उसे विशेष ध्यान रखा गया ऑडियंस को लेकर। तो आप सभी का मिलकर कारण हार्दिक दुर्गा गरबा समिति, हमें 1.5 महीना हो चुका है यहाँ प्रैक्टिस कराते कराते और स्टेप का कई स्टेप्स करवा रहे हैं हम, जैसे रास 1 रास 2 रास 3 ढोलीड़ा भी है उसमें, पंखीड़ा 2 भी करा रहे हैं और एडवांस भी चल रहे हैं कुछ, ढाकला 1 भी चल रहा है। अभी हमने 8 ताली भी सिखाया है और रंगताली 1 रंगताली 2 जैसे स्टेप्स भी हैं, और अभी आज ही हमने एक डांडिया स्टेप सिखाया है और उसके साथ साथ आरती भी करा रहे हैं और एडवांस स्टेप और भी रहेंगे, जैसे बच्चे सीखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं नवदुर्गा गरबा महोत्सव संगीत। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज। खबर में बात करते हैं मड़िया दो की, जहां पर लगातार जंगली क्षेत्र काफी जंगल है, ऐसे में जहां जानवर गांव तक पहुंच जाते हैं तो भाई जहरीले जीव जंतु भी नजर आ जाते हैं। बीती रात सैनी जी की एक जो कार थी वह बगीचे में रखी हुई थी, उसमें अजगर पहुंच गया। जी हां, आपने ठीक सुना, लगभग 5 फुट का अजगर इस वाहन में पहुंच गया। बाद में सोनू खान जो इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लगातार सांप को पकड़ लेते हैं, उन्हें बुलाया गया, उनके द्वारा इस अजगर सांप को पकड़ा गया। लोगों को भी दिखाया गया कि किस तरह से यह अजगर सांप यहां पर इस वाहन में लिपटा हुआ था। अजगर सांप को बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। सोनू खान कभी किसी भी सांप को नुकसान नहीं पहुँचाते, लगातार उनके द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते हैं। सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है, वन विभाग का लगातार वह सहयोग करते हैं। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। तपाव वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मी ने मारा बाइक सवार को थप्पड़, बाइक सवार टकराए दूसरी बाइक से, 4 लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह सांसद राहुल सिंह के द्वारा दमोह स्टेशन परिसर का किया गया निरीक्षण, कार्यों के संबंध में ली गई जानकारी। ओपीएस पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने निकाली रैली। जीप में निकला अजगर सांप। नवरात्रि के पूर्व गरबा महोत्सव में चल रही हैं तैयारियां। ये थे अभी तक की कुछ खास कंप्लेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को यह कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी, तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता देखो। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मी हॉर्स, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।